नमस्कार आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। जी हाँ, वही महफिल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफसाने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफसाना आर्टिस्ट लोग। आइए सुनते हैं आर्टिस्ट लोग। जमीला को पहली बार महमूद ने बाग जिनाह में देखा। वो अपनी सहेलियों के साथ चहलकदमी कर रही थी। सबने काले बुरके पहने हुए थे मगर नकाबें उल्टी हुई थी। महमूद सोचने लगा, ये किस किस्म का पर्दा है कि बुरका ओढ़ा हुआ है मगर चेहरा नंगा है। आखिर इस पर्दे का मतलब क्या है? मगर वो जमीला के हुस्न से बहुत मुतासर हुआ। वो अपनी सहेलियों के साथ हंसती खेलती जा रही थी। महमूद उसके पीछे चलने लगा। उसको इस बात का कतन होश नहीं था कि वो एक गैर अखलाकी हरकत का मुरतकब हो रहा है। उसने सैकड़ों मरतबा जमीला को घूर घूर के देखा। इसके अलावा एक दो बार उसको अपनी आँखों से इशारे भी किए मगर जमीला ने उसे दरखोर एतनाना समझकर और अपनी सहेलियों के साथ आगे बढ़ती चली गई। उसकी सहेलियाँ भी काफ़ी खूबसूरत थी मगर महमूद ने उसमें एक ऐसी कशिश पाई जो लोहे के साथ मकनातीस को होती है। वो उसके साथ चिमट के रह गया। एक जगह उसने जुरत से काम लेकर कहा, जमीला से कहा, हुजूर अपना नकाब तो संभालिए, हवा में उड़ रहा है। जमीला ने यह सुनकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस के दो सिपाही जो उस वक्त बाग में ड्यूटी पर थे दौड़ते आए और उन्होंने जमीला से पूछा, बहन क्या बात है? जमीला ने महमूद की तरफ देखा जो सहमा हुआ खड़ा था और कहा, यह लड़का मुझसे छेड़खानी कर रहा था। जब से मैं इस बाग में दाखिल हुई हूँ ये मेरा पीछा कर रहा है। सिपाहियों ने महमूद का सरसरी जायज़ा लिया, फिर उसको गिरफ्तार करके हवालात में दाखिल कर दिया लेकिन उसकी ज़मानत हो गई। अब मुकदमा शुरू हुआ। मुकदमे की रुईदाद में जाने की ज़रूरत नहीं इसलिए कि यह तफसील तलब है। किस्सा मुख्तसर ये है कि महमूद का जुर्म साबित हो गया और उसे 2 माह कैद बशाबा मशक्क़त की सज़ा मिल गई। उसके वालदैन नादार थे इसलिए वो सेशन की अदालत में अपील न कर सके। महमूद सख्त परेशान था कि आखिर उसका कसूर क्या है। उसको अगर एक लड़की पसंद आ गई थी और उसने उसे चंद बातें करना चाही थी तो क्या ये जुर्म है जिसकी पादाश में वो 2 माह की कैद बामशक्क़त भुगत रहा है। जेल खाने में वो कई मरतबा बच्चों की तरह रोया। उसको मुसव्वरी का शौक था लेकिन उससे वहाँ चक्की पिसवाई जाती थी। अभी उसे जेल खाने में आए 20 रोज ही हुए थे कि उसे बताया गया उसकी मुलाकात आई है। उसने सोचा, ये मुलाकाती कौन है? उसके वालदैन तो उसे सख्त नाराज थे और वालिदा अपाहिज थी और कोई रिश्तेदार थे ही नहीं। सिपाही उसे दरवाजे के पास ले गया जो आहनी सलाखों का बना हुआ था। उन सलाखों के पीछे उसने देखा जमीला खड़ी है। वो बहुत हैरतज़दा हुआ। उसने समझा कि शायद वो किसी और को देखने आई होगी मगर जमीला ने सलाखों के पास आकर उससे कहा, मैं आपसे मिलने आई हूँ। महमूद की हैरत में और भी इजाफा हो गया। मुझसे? जी हाँ, मैं माफ़ी मांगने आई हूँ कि मैंने जल्दबाजी की जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। महमूद मुस्कुराया, हाय उस दूध पशेमा का पशेमा होना। जमीला ने कहा, यह तो गालिब है,
جی ہاں، غالب کے سوا کون ہو سکتا ہے جو انسان کے جذبات کی ترجمانی کر سکے؟ میں نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن میں یہاں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، سرکار کا ہے، اس کے لیے میں معافی کا خواستگار ہوں۔ جمیلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آپ کی خادمہ ہوں۔ چند منٹ ان کے درمیان اور باتیں ہوئیں جو محبت کے عہد و پیمان تھے۔ جمیلہ نے اس کو صابن کی ایک ٹکیا دی، مٹھائی بھی پیش کی۔ اس کے بعد وہ ہر 15 دن کے بعد محمود سے ملاقات کرنے آتی رہی۔ اس دوران ان دونوں کی محبت استوار ہو گئی۔ جمیلہ نے محمود کو ایک روز بتایا، مجھے موسیقی سیکھنے کا شوق ہے، آج کل میں خان صاحب سلام علی خان سے سبق لے رہی ہوں۔ محمود نے اس سے کہا، مجھے مصوری کا شوق ہے، مجھے یہاں جیل خانے میں کوئی تکلیف نہیں، مشقت سے میں گھبراتا نہیں، لیکن میری طبیعت جو فن کی طرف مائل ہے اس کی تسکین نہیں ہوتی۔ یہاں کوئی رنگ ہے نہ روغن، کوئی کاغذ ہے نہ پینسل، بس چکی پیستے رہو۔ جمیلہ کی آنکھیں پھر آنسو بہانے لگیں۔ بس اب تھوڑے ہی دن باقی رہ گئے تھے، آپ باہر آئیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ محمودہ 2 ماہ کی قید کاٹ سوری محمود 2 ماہ کی قید کاٹنے کے بعد باہر آیا تو جمیلہ دروازے پر موجود تھی، اسی کالے برقعے میں جو اب بھوسلا ہو گیا تھا اور جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ دونوں آرٹسٹ تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ شادی کر لیں، چنانچہ شادی ہو گئی۔ جمیلہ کے ماں باپ کچھ اثاثہ چھوڑ گئے تھے، اس سے انہوں نے ایک چھوٹا سا مکان بنایا اور پر مسرت زندگی بسر کرنے لگے۔ محمود ایک آرٹ اسٹوڈیو میں جانے لگا تاکہ اپنی مصوری کا شوق پورا کر سکے۔ جمیلہ خان صاحب سلام خان سے پھر تعلیم حاصل کرنے لگی۔ 1 برس تک دونوں تعلیم حاصل کرتے رہے، محمود مصوری کا شوق پورا کر سکے، جمیل خان صاحب سلام علی خان سے پھر تعلیم حاصل کرنے لگی۔ 1 برس تک دونوں تعلیم حاصل کرتے رہے، محمود مصوری سیکھتا رہا اور جمیلہ موسیقی۔ اس کے بعد ان کا بچا کھچا اثاثہ ختم ہو گیا اور نوبت فاقوں پر آ گئی۔ دونوں آرٹ کے شہدائی تھے، وہ سمجھتے تھے کہ فاقے کرنے والے ہی صحیح طور پر اپنے آرٹ کی معراج تک پہنچ سکتے ہیں، اس لیے وہ اپنی اس مفلسی کے زمانے میں بھی خوش تھے۔ ایک دن جمیلہ نے اپنے شوہر کو یہ مژدہ سنایا کہ اسے ایک امیر گھرانے میں موسیقی سکھانے کا ٹیوشن مل رہا ہے۔ محمود نے یہ سن کر اسے کہا، نہیں، ٹیوشن بکواس ہے، ہم لوگ آرٹسٹ ہیں۔ اس کی بیوی نے بڑے پیار کے ساتھ کہا، لیکن میری جان گزارا کیسے ہوگا؟ محمود نے اپنے پھوسڑے نکلے ہوئے کوٹ کا کالر بڑے امیرانہ انداز میں درست کرتے ہوئے جواب دیا، آرٹسٹ کو ان فضول باتوں کا خیال نہیں کرنا چاہیے، ہم آرٹ کے لیے زندہ رہتے ہیں، آرٹ ہمارے لیے زندہ نہیں رہتا۔ جمیلہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی، لیکن میری جان آپ مصوری سیکھ رہے ہیں، آپ کو ہر مہینے فیس ادا کرنی پڑتی ہے، اس کا بندوبست بھی تو کچھ ہونا چاہیے، اور پھر کھانا پینا ہے، اس کا خرچ علیحدہ ہے۔ میں نے فی الحال مصوری کی تعلیم چھوڑ دی ہے، جب حالات موافق ہوں گے تو دیکھا جائے گا۔ جمیلہ یہ سن کر خاموش رہی۔ دوسرے دن جب وہ گھر آئی تو اس کے پرس پہ 15 روپے تھے، جو اس نے اپنے خاوند کے حوالے کر دیے اور کہا، میں نے آج سے ٹیوشن شروع کر دی ہے، یہ 15 روپے مجھے پیشگی ملے ہیں،
आप मुसव्वरी का काम जारी रखें। महमूद के मर्दाना जज्बात को बड़ी ठेस लगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मुलाजमत करो, मुलाजमत मुझे करनी चाहिए। जमीला ने ख़ास अंदाज में कहा, हाय मैं कोई गैर हूँ, मैंने अगर कहीं थोड़ी देर के लिए मुलाजमत कर ली है तो इसमें हर चीज़ क्या है, बहुत अच्छे लोग हैं और फिर जिस लड़की को मैं तालीम देती हूँ बहुत प्यारी और ज़हीन है। ये सुनकर महमूद खामोश हो गया और उसने मज़ीद गुफ्तगु ना की। दूसरे हफ्ते के बाद वो 25 रुपये लेकर आया और उसने अपनी बीवी से कहा, मैंने आज अपनी एक तस्वीर बेची है, ख़रीदार ने उसे बहुत पसंद किया लेकिन खसीस था, सिर्फ 25 रुपये दिए। अब उम्मीद है कि मेरी तस्वीरों की मार्केट चल निकलेगी। जमीला मुस्कुराई, हम तो फिर काफ़ी अमीर आदमी हो जाएंगे। महमूद ने उसे कहा, जब मेरी तस्वीर बिकना शुरू हो जाएंगी तो मैं तुम्हें ट्यूशन नहीं करने दूंगा। जमीला ने अपने खाविंद की ताई दुरुस्त की और बड़े प्यार से कहा, आप मेरे मालिक हैं, जो भी हुक्म देंगे मुझे तस्लीम होगा। दोनों बहुत खुश थे इसलिए कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। महमूद ने जमीला से कहा, अब तुम कुछ फिक्र ना करो, मेरा काम चल निकला है, चार तस्वीरें कल या परसों तक बिक जाएंगी और अच्छे दाम वसूल हो जाएंगे, फिर तुम अपनी मौसीकी की तालीम जारी रख सकोगी। एक दिन जमीला जब शाम को घर आई तो उसके सर के बालों में धुनी हुई रुई का गुबार इस तरह जमा हुआ था जैसे किसी अधेड़ उम्र की दाढ़ी में सफेद बाल। महमूद ने उससे इस्तफसार किया, ये तुमने अपने बालों की क्या हालत बना रखी है, मौसीकी सिखाने जाती हो या किसी जिनिंग फैक्ट्री में काम करने जाती हो? जमीला ने जो महमूद की नई रजाई की पुरानी रुई को धुन रही थी मुस्कुरा कर कहा, हम आर्टिस्ट लोग हैं, हमें किसी बात का होश ही नहीं रहता। महमूद ने हुक्के के नए मुंह में लेकर अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, होश वाकई नहीं रहता। जमीला ने महमूद के बालों में अपनी उंगलियों से कंघी करना चाही और कंघी करना शुरू की। ये धुनी हुई रुई का गुबार आपके सर में कैसे आ गया? महमूद ने हुक्के का एक कश लगाया, जैसे तुम्हारे सर में आ गया। हम दोनों एक ही जिनिंग फैक्ट्री में काम करते हैं सिर्फ आर्ट की खातिर। तो ये था आज का अफसाना, कल फिर आऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त।